It's alright. Hush. So, hello guys, मैं हूँ अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटो ब्लॉग्स। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? कर दो चलो बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहना मेरे तरह। सो गाइस, देख पा रहे हो मेरे पीछे आज खड़ी हुई है 2024 हीरो HF डिलक्स ऑल ब्लैक एडिशन। अगर अपनी इस बाइक को बाई करने की प्लानिंग कर रहे हो, क्या बदलाव है, फीचर्स क्या है, टॉप स्पीड, माइलेज, हर एक चीज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अपडेटेड ऑन रोड प्राइस क्या है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो, चलो गाइस अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे जरूर एक लाइक कर देना। चलो इस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो एवरीवन, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है न्यू 2024 हीरो HF डिलक्स ऑल ब्लैक एडिशन। इस पर आप लोग ऐसा फीचर्स, टॉप स्पीड, माइलेज, हर एक चीज तो बताने वाला हूँ। लेकिन पहले किससे स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ की प्रोवाइड करता है हीरो का ब्रांडिंग के साथ। नॉर्मल से किए गए स्विफ्ट की वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो की को डालते हैं की स्लॉट पर। सो इग्निशन अगर ऑन कर भी देते हो ना, अंदर के साइड पे जो लाइट सेटअप वगैरह है वो ऑन नहीं होगा। इधर पे हीरो का 3D एम्बलेम है, सिंगल पीस के ऊपर वाइजर मिलता है, फुल्ली ब्लैक ग्लॉजी कलर एंड इंडिकेटर जो है वो बल्ब मिलता है ट्रांसपेरेंट, थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल मिल जाएगा। अंदर के साइड पे अभी भी हेलोजन हेडलाइट सेटअप भी मिलता है, जैसे स्प्लेंडर प्लस 2.0 पे एलईडी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन HF डिलक्स पर अभी भी हेलोजन सेटअप भी मिलता है। ग्राफिक्स वगैरह नहीं है, सूर्य नाव पर इधर फिट होगा। फ्रंट जो मडगार्ड है सिंगल पीस के ऊपर ही मिलता है, फुल्ली ब्लैक ग्लॉजी फाइबर के पार्ट। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड करता है एंड मडगार्ड के ऊपर रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा। फ्रंट का साइड पे जो एलॉय है ना, वो ब्लैक नहीं ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। 18 इंच का एलॉय व्हील, 80/100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर। टायर प्रोफाइल का कुछ आप लोगों को ऐसा प्रोवाइड करता है। फ्रंट के साइड पे ड्रम मिलता है 130 mm का, लेकिन इधर पे देख पा रहे हो डुअल वायर है, मतलब IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हो ऑटोमेटिक रियर ब्रेक एंगेज होगा, एंड अगर आप रियर ब्रेक को अप्लाई करते हो ना, सो ऑटोमेटिक फ्रंट ब्रेक एंगेज होगा। ये भी एक सेफ्टी फीचर्स है एंड आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस मिलेगा इसके वजह से। देन जो फ्यूल टैंक है फुल्ली देख पा रहे हो मेटल के साथ, इग्निशन कर लेते हो ऑफ, मेटल के साथ। हीरो का स्टिकरिंग है, एम्बलेम वगैरह नहीं है, ब्लैक ग्लॉजी एंड नया स्टिकरिंग। हीरो का ऐप, इधर पे QR कोड। E20 का ब्रांडिंग देख पा रहे हो, मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी इस वेरिएंट को जो आप लोग राइड कर पाओगे। फ्यूल पंप इश्यू वगैरह चेंज हो चुका है। 9.6 लीटर का इधर पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज की अगर बात करूँ ना, 60 से लेकर 65 तक अप्रॉक्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो राइडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है आप लोग कैसे राइड करोगे। इधर पर जो टूल बॉक्स है इसका साइज एंड डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। पावर शॉट इधर पर ब्रांडिंग, देन FI प्रोग्राम। सो इससे फायदा है कि इस पावर पर ड्रॉप लैग वगैरह आप लोगों को फील नहीं आएगा। एंड अगर आप लोग अच्छी तरीके से इकोनॉमी जोन पर राइड करते हो ना, FI के वजह से एक एक बूंद जो है पेट्रोल का वो बर्न होता है, सो इससे माइलेज आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। देन जो साइड पैनल है ये भी फुल्ली ब्लैक ग्लॉजी, HF डिलक्स का ब्रांडिंग है, क्रोम पार्ट के साथ 3D एम्बलेम। सीट के बगल में जो काउल है वो भी फुल्ली ब्लैक ग्लॉजी है। ग्रेवल देख पा रहे हो चेंज हो चुका है, इधर पर रबर के साथ मिलता है, फाइबर भी कह सकते हो, फुल्ली मैट ब्लैक। इग्निशन ऑन करते हैं, रियर लुक का आपको दिखाता हूँ। सो रियर के साइड पे बल्ब, टेल लैम्प, हीरो का स्टिकरिंग ट्रांसपेरेंट, इधर पे आप लोगों को इंडिकेटर मिल जाता है, छोटा सा रिफ्लेक्टर, सूर्य नाव फिट कर सकते हो। एंड जो मडगार्ड है ऐसा कुछ सिंपल सा मडगार्ड प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड है। एंड लेफ्ट साइड पे कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड विथ लेडीज फुटरेस्ट, हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर मिलता है, 2 स्टेप तक आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। फुल्ली ब्लैक एंड क्रोम पार्ट के साथ है, एंड ऊपर के साइड पे जो पार्ट है ना ये मेटल का मिलता है। साड़ी गार्ड है, इससे फायदे के गाइस आप लोग बुजुर्ग लोग या घर पे मम्मी को ना आराम से इस बाइक पे बिठा सकते हो। देन जो चेन कवर है वो भी चेंज हो चुका है, अभी फाइबर के साथ मिलता है। मेटल से दिक्कत यही था, पानी फानी जाके ना जंग लग के खराब हो जाता था, लेकिन अभी खराब नहीं होगा क्योंकि फाइबर के साथ मिलता है। लेडीज फुटरेस्ट, देन जो राइडर फुटरेस्ट है वो भी रबर कोटिंग के साथ, ये भी गाइस आप लोगों को फोल्डेबल प्रोवाइड करता है। कंपनी फिटेड डुअल स्टैंड एंड साइड स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। अगर साइड स्टैंड गिरा हुआ रहेगा आप लोग इस बाइक को राइड नहीं कर पाओगे। फ्रंट एंड रियर दोनों पे ही गाइस आप लोगों को ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया है। सो रियर के साइड पर 80/100 सीसी की ट्यूबलेस टायर, 18 इंच का एलॉय व्हील। फ्रंट पे जैसे एलॉय व्हील मिलता है वैसे सेम टू सेम। एंड टायर प्रोफाइल रियर के साइड पे कुछ आप लोगों को ऐसा प्रोवाइड करता है। 130 mm का ड्रम है, जैसे फ्रंट पे मिलता है वैसा सेम टू सेम। एग्जॉस्ट जो है वो भी गाइस फुल्ली मैट ब्लैक के साथ है। इंजन जो है वो भी गाइस फुल्ली मैट ब्लैक के साथ है। इग्निशन को ऑफ कर लेते हैं, देन इंजन के बारे में बात करते हैं। सो BS6 कॉम्प्लाइंट OBD2 एंड फेज 2 के साथ एयर कूल फ्लैट इंजन है, मतलब ओल्ड मॉडल के तरह ही मिलता है हीरो का ब्रांडिंग के साथ। एंड पावर की बात करूं, 97.2 सीसी एंड 7.91 bhp प्रोड्यूस करता है एट दैट 8000 rpm एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.05 Nm एट दैट 6000 rpm। टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करे अप्रॉक्स 85 तक एंड 4 गियर ट्रांसमिशन मिलता है हील एंड टो शिफ्टर के साथ। सारे जो गियर है ना पीछे की तरफ है एंड देख पा रहे ऐसा कुछ इंजन है। फुल्ली फ्लैट हीरो का ब्रांडिंग। सो अंदर के साइड पे सिंगल हॉर्न मिलता है। देन जो कैथोलिटिक कन्वर्टर है ना वो आप लोगों को इधर पे मिल जाता है। O2 का सेंसर इंजन के अंदर। रियर ब्रेक पैडल कुछ ऐसा मिलता है, प्रोटेक्शन भी है जिससे पैर टच ना हो। रियर ब्रेक पैडल जो है वही सिर्फ आपको सिल्वर कलर कोटिंग के साथ मिलता है। एग्जॉस्ट के ऊपर भी प्रोटेक्शन। देन इधर पे जो कलर है ना मतलब मफलर जो है वो भी फुल्ली ग्लॉजी ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही मिलता है। सो ओवरऑल कार्ड वेट है 110 kg एंड ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं 165 mm। सो चलिए बात करते हैं इस मॉडल का सीट के बारे में। पहले का सीट हाइट आप लोग बता रहा हूँ 805 mm का सीट हाइट है। सीट जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कुशनिंग का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग मिलता है। फ्यूल टैंक को अगर आप नोट करते हो ना तो बीच में सिल्वर है एंड पूरा टैंक जो है ब्लैक ग्लॉजी कलर के साथ मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली एनालॉग, इग्निशन ऑन करते ही इधर पे साइड स्टैंड वार्निंग, देन न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट, अपर डिपर का वार्निंग। अंदर के साइड पे हीरो का ब्रांडिंग, देन फ्यूल गेज, लेफ्ट साइड पे पूरा ही एनालॉग के ऊपर स्पीड, ओडोमीटर, साइड स्टैंड वार्निंग वगैरह मिलता है। इधर पे इंडिकेटर का वार्निंग वगैरह मिल जाएगा। इग्निशन स्लॉट एंड हैंडल लॉक आप लोग कर सकते हो इग्निशन स्लॉट से। बीच में हीरो का ब्रांडिंग फुल्ली क्रोम पार्ट के साथ हैंडल बार है। राइट साइड पे सेल्फ मिलता है, I3 का ऑन ऑफ बटन नहीं है एंड लेफ्ट साइड पे अपर डिपर पासिंग बटन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देन इधर पे मिलता है इंडिकेटर एंड देन मिलता है हॉर्न। ऐसा कुछ हॉर्न है, बहुत ज़्यादा लाउड है। सो अगर मिरर की बात करूँ सिंपल सा मैट ब्लैक नॉर्मल सी जो मिरर हीरो पे प्रोवाइड करते हैं ना वैसे ही मिलेगा। सो ये जो कलर थीम है इंडियन मार्केट पे बहुत सारा कस्टमर पसंद करता है। फुल्ली ब्लैक कलर, कुछ भी ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ रियर ब्रेक पैडल जो वही गाइस सिल्वर कलर के साथ मिलता है एंड बाकी एलॉय वगैरह इंजन वगैरह एंड एलेग गार्ड जो है वो भी आप नोट कर पा रहे हो फुल्ली मैट ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। गियर पैडल वो सिल्वर कलर कोटिंग के साथ मिलता है। राइट एंड लेफ्ट साइड से मैं दिखा दिया, इश्यू वगैरह चेंज हो चुका है। देन ट्यूबलेस टायर आप लोगों को मिलता है एंड ये कलर थीम आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। अगर आप लोग इस बाइक को इन कोलकाता बाइक करना चाहते हो ना ऑन रोड प्राइस है 86,810 रुपीज। सो एवरीवन यही था आज का वीडियो। अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरीज जरूर इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कर देना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।